हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है स्लाइडिंग विंडो एआरक्यू। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टॉप एंड वेट एआरक्यू को डिस्कस किया था। एरर कंट्रोल में डेटा ट्रांसमिशन के दौरान उत्पन्न होने वाले डेटा एरर को नियंत्रित करने के लिए सेंडर और रिसीवर द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। डिटेक्शन ऑफ एरर, सेंडर या रिसीवर द्वारा एरर की पहचान की जाती है। एक्नॉलेजमेंट, करेक्ट फ्रेम प्राप्त करने पर रिसीवर द्वारा सेंडर को पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है तथा डैमेज या डुप्लीकेट फ्रेम भेजे जाने पर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है। रिट्रांसमिशन, सेंडर द्वारा नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करने पर सेंडर द्वारा डेटा फ्रेम को पुनः भेजा जाता है। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट वह प्रक्रिया है जिसमें रिसीवर द्वारा यदि कोई डेटा एरर डिटेक्ट किया जाता है तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को रिटर्न किया जाता है और सेंडर द्वारा डेटा फ्रेम पुनः भेजा जाता है। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वह है जब भी सेंडर डेटा को रिसीवर को भेजेगा, अगर रिसीवर में डेटा करप्टेड या डैमेज फॉर्म में प्राप्त हुआ है तो रिसीवर एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर को, जिससे सेंडर जो पुराना फ्रेम है, लास्ट फ्रेम है, उसको रिट्रांसमिट करता है। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टॉप एंड वेट एआरक्यू है, दूसरा स्लाइडिंग विंडो एआरक्यू है। स्लाइडिंग विंडो एआरक्यू तकनीकी का प्रयोग कंटिन्यूस ट्रांसमिशन में एरर कंट्रोल के लिए किया जाता है। जो कंटिन्यूस ट्रांसमिशन है उसमें दो या दो से अधिक फ्रेम एक साथ भेजी जाती हैं, वह सामान्यतः स्लाइडिंग विंडो में ही प्रयोग किया जाता है। और स्टॉप एंड वेट एआरक्यू में हम लोग सिंगल फ्रेम को भेजते हैं और उसका एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होता है। स्लाइडिंग विंडो एआरक्यू में मल्टीपल फ्रेम का एक सिंगल एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होता है। स्लाइडिंग विंडो एआरक्यू में सेंडर द्वारा उन सभी भेजे गए डेटा फ्रेम की कॉपी तब तक रखी जाती है जब तक उसे उनका एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं हो जाता है। सपोज सेंडर ने डेटा फ्रेम्स भेजे हैं, सेंडर द्वारा उन डेटा फ्रेम्स को अपने पास सुरक्षित रखा जाएगा तब तक जब तक कि रिसीवर द्वारा उनका एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज दिया जाता है। स्लाइडिंग विंडो एआरक्यू में दो प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, गो बैक एन एआरक्यू और सिलेक्टिव रिजेक्ट एआरक्यू। गो बैक एन एआरक्यू प्रोटोकॉल वह है जिसमें किसी फ्रेम के लॉस्ट या डैमेज हो जाने पर उन सभी फ्रेम्स को रिट्रांसमिट किया जाता है जिनका पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं हुआ। गो बैक एन एआरक्यू में वो सभी फ्रेम पुनः ट्रांसमिट किए जाएंगे जिनका पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट प्राप्त न होने की तीन स्थितियां हैं, एक तो डैमेज फ्रेम, लॉस्ट डेटा फ्रेम और लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। डैमेज फ्रेम के केस में रिसीवर को डैमेज या करप्टेड फ्रेम मिलते हैं। लॉस्ट डेटा फ्रेम के केस में रिसीवर को कुछ फ्रेम प्राप्त नहीं होते हैं और लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट के केस में सेंडर को एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं होता। Go back in AR2. When the frame is damaged, the receiver sends a NAC frame. जब भी कोई फ्रेम डैमेज होता है और वह रिसीवर को प्राप्त होता है तो रिसीवर एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, जिसे NAC भी कहते हैं, वह सेंडर को भेजता है। In the next slide figure, four frames have been transmitted before error identified. In this case,
Acknowledgement 3 has been returned telling that the frame 0, 1, 2 have been received. जो फिगर है उसमें तीन फ्रेम तो पहुंच गई हैं 0, 1, 2 और उसका acknowledgement भी रिसीवर ने सेंडर को भेज दिया है. जैसे ही चौथा फ्रेम रिसीवर में पहुंचता है तो रिसीवर को वह एक डैमेज या करप्टेड फॉर्म में मिलता है. द रिसीवर फाइंड्स एरर इन डेटा 3 फ्रेम सो इट रिटर्न्स द नेक्स्ट 3. रिसीवर को जो ये डेटा 3 फ्रेम मिला हुआ है वह एक डैमेज फ्रेम है, इसलिए वह सेंडर को एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है. उसमें नेक 3 नेक मींस नेगेटिव है एक्नॉलेजमेंट और 3 मींस फ्रेम नंबर. द फ्रेम 4 5 आर आल्सो डिस्कार्डेड एज दीज आर ट्रांसमिटेड आफ्टर द डैमेज फ्रेम. देयरफॉर द सेंडर रिट्रांसमिट द फ्रेम 3 4 5. चूंकि चौथा और पांचवा फ्रेम तीसरे फ्रेम के बाद भेजा गया है और तीसरा फ्रेम डैमेज है, इसलिए सेंडर को सभी 3 4 और 5 फ्रेम दोबारा रिसीवर को भेजने पड़ेंगे. यह एक विजुअल है. इस विजुअल में सेंडर द्वारा फ्रेम 0 1 2 3 4 और 5 भेजे जाते हैं. 0, 1, 2 सेंडर के पास सेंडर से रिसीवर को भेजे जाएंगे और रिसीवर द्वारा प्राप्त होंगे और तीन फ्रेम इसको सही प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको एक्नॉलेजमेंट 3 भेज मीन ये एक्नॉलेजमेंट 3 भेजा जाता है सेंडर को. इट मींस तीन फ्रेम उसको सही से प्राप्त हो चुके हैं. जैसे ही रिसीवर चौथा फ्रेम डेटा 3 जो चौथा फ्रेम है उसको प्राप्त करता है, वह चौथा फ्रेम एक डैमेज फ्रेम होता है, अतः वह नेक्स्ट 3 नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है, उसमें फ्रेम नंबर भी डालता है, वह फ्रेम नंबर तीसरा है और वह सेंडर को भेजता है. जब तक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट 3 सेंडर को मिलता है तब तक सेंडर चौथा और पांचवा भी भेज चुका होता है, इसलिए अब सेंडर को तीसरा चौथा और पांचवा तीन फ्रेम भेजने पड़ेंगे. गो बैक इन ARQ में जो रिट्रांसमिशन है लॉस्ट डेटा फ्रेम के केस में भी होता है. इन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स डेटा फ्रेम्स आर सेंट सीक्वेंसली. स्लाइडिंग विंडो में जो डेटा फ्रेम है सीक्वेंसली भेजे जाते हैं, जिसे 0 1 2 3 4 5. द रिसीवर चेक द सीक्वेंस नंबर ऑफ ईच ऑफ द फ्रेम. फाइंड द फ्रेम दैट हैज बीन मिस्ड and return the NAC for the missing frame. Receiver सबके sequence number check करता है और जो frame उसमें missing होगा उसका एक negative acknowledgement sender को भेजेगा. The sending device retransmits the frame indicated by NAC as well as the frame transmitted after the lost frame. अब sending device जो भी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट में फ्रेम नंबर है उसको दोबारा भेजेगा और उसके साथ साथ जो उसके बाद उसने फ्रेम भेजे हुए हैं वह भी उसको रिट्रांसमिट करने पड़ेंगे रिसीवर. ये एक विजुअल है लॉस्ट डेटा के केस का. इसमें एक सेंडर है रिसीवर है, सेंडर द्वारा 0 1 2 3 और 4 फ्रेम भेजे जाते हैं, टोटल 5 फ्रेम है. इसमें 0 और 1 तो इसको प्राप्त हो जाता है. जो तीसरा फ्रेम है डेटा 2 ये लॉस्ट हो जाता है. उसके बाद इसको मिलता है 0 1 2 नहीं मिलके तीसरा फ्रेम मिलता है जो कि आउट ऑफ ऑर्डर है. अब यहां से ये रिसीवर एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है जिसमें फ्रेम नंबर लिखता है कि कौन सा फ्रेम इसको नहीं मिला.
सेंडर को जैसे नेगेटिव एक्नोलेजमेंट मिलता है वह उस फ्रेम को जिसका नेगेटिव एक्नोलेजमेंट है और उसके बाद के जितने भी फ्रेम उसने भेजे हुए हैं वह रिट्रांसमिट करता है रिसीवर। इस केस में फ्रेम नंबर दो लॉस्ट हुआ है, इसलिए दो तीन और चार को पुनः सेंडर द्वारा रिसीवर को भेजे जाएंगे। गो बैक एन एआरक्यू में है एक लॉस्ट एक्नोलेजमेंट जिसमें कि रिट्रांसमिशन होता है। द सेंडर कैन सेंड एज मैनी फ्रेम्स एज द विंडो अलाउ। सेंडर जितने भी मैक्सिमम विंडो का साइज है उतने फ्रेम भेज सकता है। वंस द लिमिट ऑफ द विंडो इज रीच द सेंडर मस्ट वेट फॉर द एक्नोलेजमेंट। जैसे विंडो के सभी फ्रेम भेज दिए जाते हैं तो उसके बाद सेंडर एक्नोलेजमेंट का वेट करता है। इफ द एक्नोलेजमेंट इज लॉस्ट देन द सेंडर कुड वेट फॉर इट। अगर रिसीवर द्वारा भेजे गए एक्नोलेजमेंट कहीं पर लॉस्ट हो जाता है तो वह सेंडर को नहीं मिलेगा और इस केस पर सेंडर को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। टू अवॉइड सच सिचुएशन द सेंडर इज इक्विप्ड विद द टाइमर दैट स्टार्ट्स काउंटिंग द टाइम लिमिट। इस चीज को अवॉइड करने के लिए सेंडर में एक टाइमर का प्रयोग करते हैं जो कि टाइम आउट को कैलकुलेट करता है। इफ द एक्नोलेजमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड विद इन द टाइम लिमिट द सेंडर रिट्रांसमिट द फ्रेम सिंस द लास्ट एक्नोलेजमेंट। अगर उसको एक्नोलेजमेंट प्राप्त तो नहीं होता है तो सेंडर पिछला एक्नोलेजमेंट देखता है कि कितने फ्रेम का एक्नोलेजमेंट मिल गया है और उसके बाद के सभी फ्रेम्स को रिट्रांसमिट करता है रिसीवर को। ये एक विजुअल है, इसमें फ्रेम 0, 1, 2 रिसीवर को मिल गए हैं। अब रिसीवर द्वारा ACK3 मीन्स तीन पैकेट का या तीन फ्रेम का एक्नोलेजमेंट भेजा जाता है लेकिन ये एक्नोलेजमेंट लॉस्ट हो जाता है। अब जैसे ही टाइम आउट पूरा होगा तो सेंडर इन तीनों फ्रेम्स को दोबारा रिसीवर को भेज दे। सेलेक्टिव रिजेक्ट ARQ। सेलेक्टिव रिजेक्ट ARQ तकनीक में केवल उसी फ्रेम को रिट्रांसमिट किया जाता है जिसका नेगेटिव एक्नोलेजमेंट प्राप्त होता है। इस केस में केवल नेगेटिव एक्नोलेजमेंट वाले फ्रेम को ही रिट्रांसमिट किया जाएगा। यदि सेंडर को नेट प्राप्त होता है और यह उसी फ्रेम को रिट्रांसमिट करेगा जिसकी रिक्वेस्ट प्राप्त होगी। अगर कोई फ्रेम नंबर 4 है वह नेट 4 है, इट मीन्स 4 नंबर का फ्रेम डैमेज हुआ है तो सेंडर उस केस में केवल 4 नंबर के फ्रेम को ही भेजेगा चाहे उसके बाद उसने कितने ही फ्रेम भेज दिए। रिट्रांसमिट किए गए फ्रेम को रिसीवर द्वारा प्राप्त किए जाने पर फ्रेम को निर्धारित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और जैसे ही रिसीवर रिट्रांसमिट किए गए फ्रेम को प्राप्त करेगा उसके बाद रिसीवर सभी फ्रेम को एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करें। ये एक विजुअल है सेलेक्टिव रिजेक्ट ARQ का, इसमें सेंडर है रिसीवर है। सेंडर द्वारा डेटा फ्रेम 0, 1, 2, 3, 4 और 5 भेजे जाते हैं। यह डेटा फ्रेम 0 और 1 तो इसको प्रॉपर प्राप्त होता है लेकिन डेटा फ्रेम 2 इसको एरर फॉर्मेट में प्राप्त होता है और यह एक एक्नोलेजमेंट नेगेटिव एक्नोलेजमेंट भेजता है सेंडर को। जब तक यह नेगेटिव एक्नोलेजमेंट इसको मिलता है तब तक यह 3, 4 और 5 को भेज चुका होता है क्योंकि अब ये सेलेक्टिव रिजेक्ट का केस है इसलिए केवल यह सेंडर फ्रेम नंबर 2 को दोबारा भेजेगा इसको रिसीवर। डेटा लिंक लेयर के नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा HDLC। थैंक यू।